एक्स क्यूब बाई थ्री साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसका यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन 1/√(1 − x²), यहाँ पर एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एक्स क्यूब बाई थ्री साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब बाई में √(1 − x²) डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको आई सपोज कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब बाई में √(1 − x²) डी एक्स। चलिए इसमें थोड़ा सा देखिए क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स कर लेते हैं और नीचे आपका √(1 − x²) डी एक्स, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 − x² का टी, तो यहाँ से 1 − t हो जाएगा x² का वैल्यू। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ माइनस का 2x इक्वल टू में dt और बाई में डी एक्स, यानी कि एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस का dt और बाई में 2 के। चलिए देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ x² का वैल्यू 1 − t एक्स डी एक्स माइनस का dt बाई में 2 और इसका √(t) अलग अलग डिवाइड कर देंगे और ये कॉन्स्टेंट जो है बाहर लेंगे, −1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 √t और इसमें डिवाइड होता है t^1/2 या √t भी लिख सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में देखिए, −1/2 इंटीग्रल यहाँ निकाल ही देते इसका तो पता ही है आपको, √t इसका माइनस का यहाँ t^3/2 और पावर नीचे उतरेगा तो वही 2/3 हो जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का √t और प्लस का 1/3 यहाँ पर t^3/2 प्लस कॉन्स्टेंट के। अब टी का जो वैल्यू था उसको रख देते हैं, माइनस का √(1 − x²) ठीक है, और प्लस का 1/3 1 − x² / 3/2 प्लस का के। अब देखिए हमें जो इंटीग्रल निकालना था वो x² sin inverse x dx का था, तो इंटीग्रल इसका क्या आया था, ऊपर हम लोगों ने क्या लाए थे एक बार देख लेते हैं स्टेप, ये लाए थे, यही ना हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। चलिए एक्स क्यूब बाई में 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस, जो आपके पास 1/3 और उसका इंटीग्रल ये आया था, माइनस √(1 − x²) प्लस का 1/3 1 − x² / 3/2 और प्लस में कांस्टेंट के। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक्स क्यूब बाई थ्री साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/3 √(1 − x²) माइनस का 1/9 1 − x² / 3/2 माइनस का 1/3 के। यहाँ एक्स क्यूब बाई थ्री साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/3 √(1 − x² माइनस 1/9 1 − x² / 3/2 और प्लस में सी ले लेते हैं, यहाँ लिख देंगे कि वेयर सी जो है −1/3 के इक्वल है। समझ गए, तो एक काम करते हैं आज की क्लास में यही क्वेश्चन रन देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कॉमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।